वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त काजोल नारायण। और आपके एंटरटेनमेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का। जी हां, आज मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की चटपटी खबरें, तो हो जाइए तैयार दुल्हन बनी आलिया भट्ट को देखने के लिए। और पुलकित ने दुकान से उधार लेकर दिया गर्लफ्रेंड को गिफ्ट, वहीं नौरा फतेही एक बार फिर आई लाइमलाइट में। चलिए देखते हैं आखिर क्यों निया की जैकेट लोगों को आ रही पसंद, क्या सीरियल किसर अब बनेंगे विलेन। आलिया भट्ट जिसकी एक्टिंग और क्यूटनेस को हर कोई पसंद करता है, हाथों में मेहंदी, माथे पर टीका और दुल्हन का जोड़ा, कुछ ऐसी ही तस्वीर है एक्ट्रेस आलिया भट्ट की जो हाल ही में जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में आलिया ब्राइडल लुक में नजर आ रही है, चेहरे पर प्यारी सी हंसी के साथ अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही है। पीच कलर के लहंगे में आलिया बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन क्या आलिया करने जा रही हैं शादी? क्या अपने लवर बॉय रणवीर कपूर की हो गई आलिया? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। आलिया की तस्वीर एक एड शूट के सेट की है। मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागड़ा ने आलिया के साथ ये तस्वीर शेयर की। वैसे फैंस आलिया को रियल लाइफ में दुल्हन बने देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। इस तस्वीर में फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनसे रणबीर कपूर से शादी करने के बारे में भी पूछ रहे हैं। बता दें कि रणबीर और आलिया की शादी की खबरें काफी टाइम से आ रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। चलिए आलिया को तो दुल्हन बने आपने देख लिया, अब आपको बताते हैं बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता पुलकित के बारे में। वैसे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, वो बचपन से अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी सबसे हैंडसम चेहरों में से एक थे। स्कूल के दिनों में जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो दुकान से उधार में गिफ्ट लेकर गर्लफ्रेंड को दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी माँ को ये चीज पता चली तो उनकी हो गई जमकर पिटाई। एक्टर ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बहुत प्रपोजल मिलते थे। इतना ही नहीं, प्रपोजल मुझे स्कूल के सीनियर्स की तरफ से मिलते थे। कई सीनियर्स का मुझ पर क्रश था। जब मैं सातवीं क्लास में था तो उस समय मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो ऐसे में पॉकेट मनी से मैं पैसे बचाकर उसे वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट दिया करता था। नौरा फतेही, ये नाम इंडिया में बीते 3 सालों से चर्चा में बना हुआ है। नौरा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने डांस से भी लोगों को अपना दीवाना बना लेती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज नौरा की बात मैं क्यों कर रही हूँ, कहीं उनका बर्थडे तो नहीं? तो आप गलत सोच रहे हैं, नौरा का बर्थडे नहीं है। दरअसल 4 फरवरी को रिलीज हुआ नौरा फतेही का गाना छोड़ देंगे यूट्यूब पर काफी धमाल मचा रहा है। लोगों को नौरा का एक गाना न केवल पसंद आ रहा है बल्कि इसे खूब रिक्रिएट भी किया जा रहा है। वहीं अब नौरा ने भी कोरियोग्राफर आदिल खान के साथ इस गाने को फिर रिक्रिएट किया और ले लिया बदला एक बार फिर से। वैलेंटाइन डे के खास मौके पर इसे बनाया गया है, जिसे महज कुछ ही घंटों में 2,30,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए। टेलीविजन की काफी बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार निया शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हैं। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसे देखकर वाकई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। एक्ट्रेस निया शर्मा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो व्हाइट कलर की जैकेट में नजर आ रही है, लेकिन ये जैकेट ही अनूठी है या उन्होंने अलग ही अंदाज में पहनी है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। निया इन तस्वीरों में काफी बोल्ड लुक दे रही हैं। लोगों को ये तस्वीर कितनी पसंद आ रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे शेयर करते हुए 24 घंटे में ही 2 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान अपनी फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में दिखाई देंगे। एक बार फिर से फिल्म टाइगर 3 में सलमान कटरीना कैफ के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। खबरों की माने तो फिल्म टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए इमरान हाशमी को साइन किया गया है। यशराज फिल्म ने
इमरान हाशमी को फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए एकदम सही पाया और वो सलमान खान से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको बता दें कि फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान रॉ एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जबकि कटरीना एक ISI एजेंट की भूमिका निभाती नजर आएंगी। वहीं इमरान हाशमी विलन के रूप में नजर आएंगे जो फिल्म में सलमान खान से लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म टाइगर 3 का बजट 350 करोड़ का रहने वाला है। और बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।